बड़ा बहुत मन बहुत दुखी है और सबसे पहले तो मैं उन हमारे संतों को उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। साथ में ही अखिल भारतीय संत समिति, भारत के सभी 13 अखाड़े, अखाड़ा परिषद, ये सभी संतों का एक बहुत बड़ा संगठन है, समूह है। आज हमारे जूना अखाड़े के दो संत कल्पवृक्ष गिरी और सुनील गिरी जी की महाराष्ट्र में मात्र बंबई से 50 किलोमीटर दूर पे उनकी लोगों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। पहले ही देश आज कोरोना के कारण बहुत दुखी है, एक त्रासदी में जी रहा है और ऐसे समय जो भारत की सनातन वैदिक परंपरा की स्तंभ है उनके ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। ऐसा तो नहीं कि ये भगवा संतों के ऊपर हमला है, भारत की सनातन परंपरा पर हमला है। जो संत अपने गुरुजी की समाधि के लिए जा रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया, उनको डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया और सबसे घृणित बात तो ये, मैं भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि जिस घृणित कृत्य के द्वारा इन्होंने उन संतों की हत्या की है, साथ में ये भी देखना होगा कि जिन संतों की हत्या की जा रही है उन संतों ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया था। पुलिस को आने के बाद भी जब वो लोग पुलिस के संरक्षण में थाने पर गए तो पुलिस ने उल्टा जो आतताई लोग थे, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि शादाब इस तरीके का नाम आ रहा है, ऐसे दुर्गामी लोग, भारत की संस्कृति को विघटन करने वाले निशाचर लोग जिन्होंने घृणित कार्य किया है, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, ये भारत के संतों पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है 3 मई के बाद में, भारत के सभी संत लाखों की तादाद में, जैसे अखिल भारतीय संत समिति का आह्वान होगा, अखाड़ा परिषद का आह्वान होगा, सभी संत लोग महाराष्ट्र के लिए कूच करेंगे। और हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ पर तो फिर ये भी है कि जहाँ पर शास्त्र की शिक्षा दी जाती है तो यहाँ पर फिर शस्त्र की दीक्षा भी दी जाती है। जो संतों के ऊपर जिस तरीके का ये कार्य हुआ है, ये शिवसेना धिक्कार है ऐसी पार्टी को, आज बाला साहब होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उद्धव ठाकरे को तो शर्म आनी चाहिए, उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी घृणित हिंदूवादी पार्टी आप बनते हैं और आपके राज्य में एक भगवा संतों के साथ इस तरीके का घृणित कार्य हुआ है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करते हैं अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से कि उन पुलिस वालों की भी जांच होना चाहिए, जो पुलिस वाले उनको बचा नहीं रहे, उल्टा भीड़ को सौंप रहे हैं। किनके द्वारा ऐसा घृणित कार्य किया गया है, उनको ही नहीं, जो इसमें जितने भी लोग सहभागी हैं उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो सच्चा एक मिसाल बने। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो महाराष्ट्र के अंदर 3 तारीख के बाद में जो लाखों संत आएंगे, अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की होगी, महाराष्ट्र सरकार की होगी। हम भारत सरकार के गृह मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इसकी CBI जांच कराएं और तुरंत ऐसे कार्यवाही हमने करने वालों को ऐसी सजा दी जाए जो भारत के संतों के ऊपर दोबारा हाथ रखने की किसी प्रकार का षड्यंत्र करने की कोशिश नहीं करें। अमित शाह जी,
आपको इस बात को बड़े गौर से सुनना है, मूक दर्शक बनने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें तुरंत कार्रवाई कराएं, क्योंकि भारत का हिंदू समाज, भारत का संत समाज, अखिल भारतीय संत समिति, ये सभी संगठन आपके साथ हैं, आपको कार्रवाई कराना चाहिए। और मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री होने के नाते, हमारे मध्य प्रदेश के सभी संतों के नाते, हमारे सभी धर्म समाज के पुजारी बंधुओं के नाते, पूरे भारत के संतों की तरफ से आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इसकी CBI जांच कराएं और इन कुकर्मी लोगों को जिन्होंने इस तरीके का घृणित कार्य किया उनको दंडित किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। और 3 तारीख के बाद में नहीं तो पूरा संत समाज, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को आप अहिंसावादी हैं, आप हिंसा पे उतारू ना करें। अगर महाराष्ट्र में 3 तारीख के बाद सभी लोग लॉकडाउन के बाद में पहुंचेंगे, अगर उसमें किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी उद्धव ठाकरे जी की, महाराष्ट्र सरकार की होगी।